हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। दिस इज़ अंकित फ्रॉम द म्यूजिकल वैली। वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम जो सॉन्ग सीखने वाले हैं उसका नाम है 2002 बाय एन मेरी, या फिर एन मेरी, पार्डन माय प्रोनाउंसिएशन। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो इसे शेयर करें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सॉन्ग के फर्स्ट वर्स पर हम आ जाते हैं। तो पहले वर्स में हम जो कॉर्ड्स प्ले कर रहे हैं वो है ई मेजर। ई मेजर हम यहाँ ओपन शेप नहीं प्ले करेंगे। इसका जो शेप है दैट इज़ फिफ्थ स्ट्रिंग सेवन्थ फ्रेट, फोर्थ स्ट्रिंग नाइन्थ फ्रेट, थर्ड स्ट्रिंग नाइन्थ फ्रेट एंड सेकेंड स्ट्रिंग नाइन्थ फ्रेट। यहाँ पर आपको ऐसे बार होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फर्स्ट स्ट्रिंग हम यहाँ प्ले नहीं करने वाले। तो आप सिर्फ फोर स्ट्रिंग्स पर अपने फोर फिंगर्स को ऐसे प्लेस कर सकते हो। मेक श्योर कि सारे नोट्स क्लियर बज रहे हों। जो नेक्स्ट कॉर्ड है वो है सी शार्प माइनर। तो सी शार्प माइनर हम कैसे होल्ड करेंगे, इट इज़ फिफ्थ स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट, फोर्थ स्ट्रिंग सिक्स फ्रेट, थर्ड स्ट्रिंग सिक्स फ्रेट एंड सेकेंड स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेट। यहाँ पर भी क्योंकि हम फर्स्ट स्ट्रिंग प्ले नहीं कर रहे तो बार होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपने फोर फिंगर्स को करेक्ट पोजिशन पर प्लेस कर सकते हो। जो नेक्स्ट कॉर्ड है वो है ए मेजर। ए मेजर में यू नो इट्स सेकेंड स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट, थर्ड स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट एंड फोर्थ स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट। यहाँ पर भी फर्स्ट स्ट्रिंग हम कहीं पर भी नहीं प्ले करेंगे एंड टॉप स्ट्रिंग भी नहीं प्ले करेंगे, सिर्फ हम मिडिल फोर स्ट्रिंग्स को, सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ स्ट्रिंग्स को ही प्ले करेंगे। नेक्स्ट कॉर्ड इज बी मेजर। बी मेजर इज़ वेरी सिमिलर टू ई मेजर। जैसे हमने ई मेजर को सेवन्थ एंड नाइन्थ फ्रेट पर होल्ड किया था, वैसे बी मेजर को हम सेकेंड एंड फोर्थ पर होल्ड करेंगे। सो फिफ्थ स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट, फोर्थ स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट, थर्ड स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट एंड सेकेंड स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट। नो फर्स्ट स्ट्रिंग, सिर्फ यहाँ पर फोर स्ट्रिंग्स को हम प्ले करेंगे। तो ये चार कॉर्ड्स हमने फर्स्ट वर्स में प्ले करने हैं। सो कॉर्ड का जो सीक्वेंस एंड पैटर्न है वो हम सबसे पहले देखते हैं। सो कॉर्ड का जो पैटर्न है दैट इज फिफ्थ फोर्थ थर्ड एंड सेकेंड स्ट्रिंग वन बाय वन और उसके बाद म्यूट। यहाँ पर आप पाम से भी म्यूट कर सकते हो एंड यहाँ पर प्रेस एंड रिलीज भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। तो यहाँ पर इस चीज़ को हमें दो बार प्ले करना है। ये हम ई मेजर पर प्ले करेंगे, उसके बाद हम बी मेजर पर आएंगे। बी मेजर में जो पैटर्न हमें प्ले करना है वो है फिफ्थ फोर एंड सेकेंड स्ट्रिंग। ये हमें बिल्कुल शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में प्ले करना है, उसके बाद हम सी शार्प माइनर पर आएंगे। सो यहाँ बी मेजर पर फिफ्थ फोर एंड सेकेंड इस तरह से प्ले करेंगे। तो एक बार ई मेजर और बी को हम दोनों को प्ले करके देख लेते हैं कि ये कैसा साउंड करेगा। नेक्स्ट हम जाएंगे सी शार्प माइनर पर। सी शार्प माइनर कॉर्ड को होल्ड करके हम सेम पैटर्न प्ले करेंगे, 5-4-3-2 म्यूट, 5-4-3-2 म्यूट, और इसको हम दो बार प्ले करेंगे। तो सी शार्प माइनर के बाद हम नेक्स्ट कॉर्ड पर आएंगे, दैट इज़ जी शार्प फाइव। वैसे ये जी शार्प माइनर का पावर कॉर्ड है, इसमें हमें टॉप स्ट्रिंग का फोर्थ फ्रेट, फिफ्थ स्ट्रिंग का सिक्स फ्रेट एंड फोर्थ स्ट्रिंग का सिक्स फ्रेट ऐसा होल्ड करना है, देन सिक्स फाइव एंड फोर इस सीक्वेंस में स्ट्रिंग्स को प्ले करना है। जैसे हमने बी को प्ले किया था वैसे ही जी शार्प को प्ले करना है। तो ये सी शार्प माइनर के बाद ऐसे आएगा। एक बार हम शुरू से बजाकर देख लेते हैं स्लोली कि ये कैसा साउंड करेंगे। तो जी शार्प माइनर के बाद हम ए मेजर पर जाएंगे और यहां पर जो स्ट्रिंग्स का सीक्वेंस है वो है 5-4-3-2 म्यूट, देन अगेन 5-4-3-2 म्यूट। इसको हम सिर्फ एक बार ही प्ले करेंगे, ई एंड बी की तरह हम इसे दो बार नहीं बस एक बार प्ले करेंगे। उसके बाद हम चले जाएंगे बी मेजर पर, उसे भी हम एक बार प्ले करेंगे। सो आफ्टर जी शार्प फाइव हम प्ले करेंगे ए, देन बी एंड वापस ई। ई को हम टू टाइम्स प्ले करेंगे और ये हमारा एक प्रोग्रेशन फिनिश हो जाएगा। तो एक बार इस पूरे प्रोग्रेशन को हम स्लोली प्ले करके देख लेते हैं कि ये कैसा साउंड करेंगे।
feather. And it went just like this. No, it's never been better than the summer of 2002. तो अब हम सॉन्ग के प्री कोरस पर आ जाते हैं। प्री कोरस में राइट हैंड पैटर्न में कोई चेंज नहीं है, बस कॉर्ड के सीक्वेंस में चेंज है। तो कॉर्ड का जो सीक्वेंस है वो है सी शार्प माइनर, ए, ई, बी एंड नेक्स्ट साइकिल में ए, ए, देन बी। और इस वाले बी में हमें प्लेइंग में एक छोटा सा चेंज करना है। यहाँ पर क्या है, फर्स्ट 5-4-3-2 स्ट्रिंग्स को हम जैसे प्ले कर रहे थे उस तरफ से प्ले करेंगे, देन एंड में प्री कोरस को क्लोज करने के लिए हम यहाँ पर 5-4-2-3 टुगेदर एक साथ प्ले करेंगे। तो लास्ट के पार्ट को हम इस तरह से प्ले करेंगे। तो एक बार इस पूरे सीक्वेंस को स्लोली प्ले करके देख लेते हैं। और अब एक बार सॉन्ग के साथ प्ले करके देखते हैं। अब सॉन्ग के कोरस पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कोरस में कॉर्ड सीक्वेंस हम कैसे प्ले करेंगे। तो फर्स्ट ए, देन ई, देन बी, देन सी शार्प माइनर, और इसको हम 3 साइकिल्स रिपीट करेंगे। फोर्थ साइकिल में हम प्ले करेंगे ए, देन ए, देन बी, देन फिर से बी। तो एक बार हम इसको प्ले करके देख लेते हैं कि सीक्वेंस एक्चुअली कैसा साउंड करेगा। अब इसको एक बार सॉन्ग के साथ प्ले करके देखते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वर्ड्स, नेक्स्ट प्री कोरस एंड नेक्स्ट कोरस में हम आएंगे, जो कि एज इट इज़ जैसे हमने अब तक प्ले किया है वैसा ही प्ले होगा। तो इसमें भी हमें कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। एंड अगर आपको इसमें कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर आप किसी सॉन्ग का ट्यूटोरियल देखना चाहते हो तो प्लीज़ उससे भी कमेंट बॉक्स में लिखें। इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय।